देखें, हम उनको इंजेक्शन दे रहे हैं, बेहतर है सुकून से सो जाएं, लेकिन होपफुली कल तक उनकी हालत बेहतर हो जाएगी। कल आपको दोबारा उनको विजिट पर लाना होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल कैसी है उनकी तबीयत, कैसी है? सीरियस कंडीशन में इनका ऑपरेशन होगा। फर्दर प्रोसीजर के लिए आप काउंटर पर चले जाएं और इन्फॉर्मेशन ले लें। विद्वाई साहब, आपकी नई इजादात ने तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही तब्दील कर दिया है। ये सब आपके लिए कितना आसान रहा? आसान? अरे आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। 3 से 4 मरतबा तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये काम ही नहीं हो पाएगा, मगर फिर एक नेक शख्स मेरी जिंदगी में आया और ये सब मुमकिन हो गया। उसका नाम बताना पसंद करेंगे आप? जिस वक्त आए थे ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई था इनका, और उन्होंने ये भी बताया कि बीपी के लिए कोई टैबलेट नहीं ले रहे। नहीं, क्योंकि उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है। कुछ जरूरी टेस्ट थे जो हमने करवा लिए। जब आप लेकर आए थे तो वो कुछ देर तक अपने सेंसेस में नहीं थे। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है। वो तो बड़े मजबूत इंसान है। जी मैं समझ रहा हूँ, इसके लिए हमें इनका सीटी स्कैन और MRI करवाना होगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सदफ, आपकी होस्ट, अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ एक नए मेहमान के साथ। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनका नाम है अब्दुल कदीर, जो कि बहुत ही अच्छे एक सिंगर भी हैं, बहुत अच्छे मॉडल भी हैं, और बहुत अच्छे जो है कई चीज़ों में इनकी डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ सिंगिंग कैरियर की तरफ भी इनका एक बड़ा रुझान है। साथ में माशाल्लाह ये MBA फाइनेंस एंड मार्केटिंग भी हैं और एक प्रोफेशनली जॉब भी करते हैं। आइए एक नए टैलेंट को सुनते हैं और समझते हैं कि वो हमारे मौशरे में अपने एक किस रोल को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, बिल्कुल। तो अब्दुल कदीर, हम स्टार्ट लेते हैं आपके सॉन्ग के साथ। क्या सुनाएंगे आप? नेशनल सॉन्ग से स्टार्ट करना चाहूंगा। श्योर। तो अगस्त का महीना भी चल रहा है, अभी 14 अगस्त जैसे चल गई है, गुजरी है। बस सर कुछ अच्छा सा स्टार्ट लें। उसी से रिलेटेड मैं चाह रहा हूँ कि स्टार्ट करें। अमानत अली का है गाना, नेशनल सॉन्ग है वतन प्यारे वतन। तो मैं थोड़ा सा जुर्रत करूंगा कि उनकी तरह कॉपी कर सकूं। ए वतन प्यारे वतन, अमानत अली साहब का एक सॉन्ग हमारे साथ जो है अब्दुल कदीर सुनाने वाले हैं। ये ट्रिब्यूट करते हैं हम तमाम अहले वतन को, अहले वतन को, तमाम पाकिस्तानियों। जी। ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, अज़्म मेरा कवि मेरे इरादे हैं गैयूर, मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शऊर, जहाँ फिजा मेरा तखयुल है तो शेरी है सुखन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन पाक वतन। क्लैपिंग। थैंक यू, इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। अब्दुल कदीर, ये बताएं कि आज आप हमारे बीच मौजूद हैं, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त भी निकाला। बहुत शुक्रिया आपने हमें इनवाइट किया, मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, जज़ाकअल्लाह। हमारे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो है ही आप जैसे लोगों के लिए, कि आप जैसे नए जॉनरों को हम सामने लेकर आए, जो हिडन टैलेंट भी रखते हैं, अपने प्रोफेशन, अपनी लाइबिलिटीज़ को भी पूरा करते हैं, और साथ साथ अपने शौक के जरिए भी एक किस्म के कहते हैं ना बुलवतनी में भी एक पार्ट देते हैं, चाहे वो छोटे छोटे आपकी काबिलियत हो। मुझे ये बताएं अब्दुल कदीर, आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में जी 4 हम भाई हैं और 3 सिस्टर्स हैं मेरी, बाकी माय मॉम इज माशाल्लाह अलाइव एंड फादर पास अवे इन 2015। तो आपका नंबर कौन सा है 4 बहन भाइयों में? मेरा 4th नंबर है जी। आप छोटे हैं पर काम करेंगे बड़े बड़े, ये वाला हिसाब है आपके साथ। जी मैं छोटा सा ही बच्चा हूँ।
तो आप बाय प्रोफेशनल क्या कर रहे हैं? मतलब सिंगिंग आपका पैशन है या आपके हॉबीज में आ सकता है? मैंने तो सुना है आप माशाल्लाह सिंगर भी हैं, मॉडल भी बनना चाह रहे हैं, एक्टिंग भी करते हैं आप, और फिर आप एक जगह जो है असिस्टेंट मेरे ख्याल से मैनेजर भी हैं। ये किस किस्म का कॉम्बिनेशन है, ज़रा ये थोड़ा वाजे करें। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि शौक था मुझे एक्टिंग का, सिंगिंग का। सिंगिंग का शुरू से शौक था, जब कॉलेज के बाद से जो फ्रेंड्स वगैरह का थे इस फील्ड में, मतलब सॉरी फ्रेंड्स वगैरह थे, जैमिंग करते थे उनके साथ मिलकर, उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स थे तो शाम कॉलेज के बाद हम उनके घर पे जाकर जैमिंग करते थे, लोकल शोज भी करते थे कभी कभी। और बाय प्रोफेशन तो मैं एज ए अकाउंट्स मैनेजर जॉब करता हूँ एक प्राइवेट कंपनी में कराची में। माशाल्लाह, अकाउंट्स मैनेजर के फेसेस इतने सीरियस होते हैं जैसे आपके? अब फाइनेंस में, फाइनेंस की फील्ड शायद आप जानती हो, डेली ट्रांजैक्शंस और प्रेशर, काम का प्रेशर, फंड्स मैनेजमेंट और ये सारी चीजें, चिक चिक कस्टमर्स की चिक चिक, ये सुन सुन के ना सीरियस हो गए। मैं तो चाहती हूँ कि अब आप यहाँ पे फील करें कि आप एज एन एक्टर, एज ए जो है सिंगर, एज एन मॉडल बैठे हुए, तो आप फ्रेशनेस लेकर आ जाएं और फाइनेंस को साइड पे कर लें। फाइनेंस को मैं साइड पे, मैं दूर छोड़ के आ गया हूँ। और आपने पूछा तो मैंने जैसे वो बता दिया। बस मैं चाहती हूँ कि हमारे जो गेस्ट हैं थोड़ा सा हंसते मुस्कुराते हुए आए ताकि हमें भी एनर्जी मिले। बाय प्रोफेशन जो है, देखिए मैंने मास्टर्स किया था फाइनेंस में, एमबीए किया था, तो उसी को लेके मैं जॉब की और फिर आगे मैनेजर बना। लेकिन जो शौक है मेरा वो मैंने बिल्कुल उसको ख़त्म नहीं किया, उसको साथ साथ लेके चल रहा हूँ। कैसे कर रहे हैं आप? मैनेज बस निकाल लेते हैं या इवनिंग टाइम में कभी शोज होते हैं या फिर वीकेंड्स पे शूट्स वगैरह आ जाती हैं तो वो करता हूँ। अभी आप, मैंने सुना है आप माशाल्लाह एक्टर भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं, स्ट्रगलिंग एक्टिंग वगैरह आपकी चल रही है, आप माशाल्लाह आगे एनहांस हो रहे हैं, कई आप अपने कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं। जी जी, मैंने हमारे व्यूअर्स को बताएंगे किस ड्रामे में या किस चैनल के अंदर आप आते रहे हैं। जी, रिसेंटली मैंने 2-3 मेजर ड्रामास हैं प्राइवेट चैनल्स के, नाम ले सकते हैं? या शो मेजर प्रोडक्शन हाउसेस के ड्रामास हैं, रिनोन चैनल्स हैं, ARY हो गया, जियो हो गया, हम टीवी हो गया, उनके ऊपर मैंने कैरेक्टर्स किए हैं। ऑल दो छोटे छोटे कैरेक्टर्स थे लेकिन एक स्टार्ट मैंने लिया है, और जैसे जैसे मेरा इसमें मतलब एक्सपीरियंस आता जाएगा, डायलॉग डिलीवरी मेरी बेहतर होती जाएगी और बोलने का अंदाज और उसका एक्सेंट, उसको प्रोनाउंस करने का उर्दू जिस तरह से आपको पता है। रीसेंट अभी कौन सा आपने अभी एक एक्ट किया है? रीसेंट कौन सी एक्टिंग चली? कोई प्रोजेक्ट है ऐसा जिस पे अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है ARY से, कैसी तेरी खुद गर्जी? जी जी, उसके अंदर मैंने डॉक्टर का कैरेक्टर किया है। कैसे डॉक्टर थे आप? मैं ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहा होता हूँ, शहूद अलवी साहब, हाँ, जिनके फादर होते हैं, फादर होते हैं, तो उनको कुछ अटैक वगैरह आता है तो उनको मैं चेकअप कर रहा होता हूँ, और ये सीन था मेरा। तो मतलब मजा आ रहा है आपको एक्टिंग को साथ ले लेके चलना, क्योंकि एक सिंगर से एक्टिंग बड़ा कोई डिफरेंट जॉनर है, वो एक अलग डोमेन की चीज है, ये एक अलग डोमेन की चीज है, बहुत दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में बहुत मजा आया मुझे। ज्यादा एक्टिंग में मजा आया क्योंकि वहाँ पर सीनियर्स भी होते हैं, कुलीग्स होते हैं, वो आपके साथ चिल आउट कर रहे होते हैं, आपको सिखा भी रहे होते हैं। कोई एक एक्टिंग आप थोड़ा सा यहाँ पे कर सकते हैं, कोई एक डायलॉग डिलीवरी ऐसी जो आप हमें बता सकते हैं, थोड़ी सी एक्टिंग हम भी देख सकें आपकी? चले अगले स्लॉट में कर लेते हैं ताकि मैं कोई एक डायलॉग किसी भी ड्रामे का याद आ रहा है तो वो आप अपने कैरेक्टर जो आपने प्ले किया वह लास्ट उसी का कोई डायलॉग डिलीवरी कर दें। क्योंकि हाँ, मैं डॉक्टर एज अ ऑपरेशन तो नहीं दिखा सकती लेकिन वो डायलॉग डिलीवरी जो आपने दी है वो दिखा दें बस थोड़ी सी। एक डायलॉग मैं सुनाना चाहूंगा, अभी रिसेंटली एक ड्रामा चला था, अंगना ड्रामा, जी जी, ARY पर, उसके अंदर मैंने डॉक्टर का कैरेक्टर किया था, तो उसमें छोटा सा मैं आपको सुनाना चाहूंगा। आपने कहा तुम परफॉर्म, जावेद शेख साहब आते हैं, शायद उनकी डॉटर इन लॉ होते हैं या होती हैं या फिर सन इन लॉ थे, वो आगे पूछते हैं मुझसे कि कैसा है मेरा बेटा, तो मैं उनको कहता हूँ कि देखिए जावेद साहब, हमने उनको इंजेक्शन दे दिया है, जैसे ही उनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी और वो रिलैक्स होंगे तो आप उनको विजिट कर सकते हैं, मीनवाइल आप उनकी मेडिसिन का और आराम का ख्याल रखिएगा।
ये था मेरे ख्याल से आपको कैरेक्टर बहुत अच्छा दिया था, क्योंकि नॉर्मल भी आप ऐसे ही बोल रहे हैं, तो मुझे लगा सिर्फ आपके कैरेक्टर पे नाम दे दिया गया था, डायलॉग डिलीवरी आपकी वैसे ही चल रही है। सिंगिंग का शौक कब से आपको? सिंगिंग का शौक मुझे था इंटर के बाद से, जब हम कॉलेज में थे ना, उसके बाद मुझे शौक हुआ था। किस किस्म के सिंगिंग करते हैं? रोमांटिक करते हैं, क्लासिकल है या कोई जॉनर? सेमी क्लासिकल और पॉप टाइप, अली जफर हो गए, आतिफ असलम हो गए, सजाद अली हो गए, ये मेरे फेवरेट्स हैं। चलो इन इन में से किसी एक का सॉन्ग हमें सुना दें। अली जफर का गाना मैं आपको सुनाना चाहूंगा, उनका गाना आया है अभी, रीमेक भी हुआ है झूम के नाम से। हो मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में, बेजर ख्यालों में, हुस्न के हवालों में, सोनी के बालों में, मोरनी की चालों में, मट्टी के प्यालों में, पीतल के थालों में, जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी, जब भी तू ले अंगड़ाई आके मेरे ओरी, के दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले सोनिया सोनिया, दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले माशाल्लाह। मैं से बड़ा अफसोस फील कर रही हूँ कि म्यूजिक नहीं है, लेकिन इनकी आवाज म्यूजिक के बगैर ही बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा समा बना दिया आपकी आवाज ने। थैंक यू सो मच। काफी दिनों के बाद गा रहा हूँ तो शायद थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आवाज इस टाइम फाइनल डिपार्टमेंट में ज्यादा वक्त गुजर रहा है मेरे ख्याल से, बहुत ज्यादा गुजर रहा है, और रियाज भी नहीं हो पा रहा, शफकत भी नहीं हो पा रही, नासिर भाई हो पा रहे, कुछ भी नहीं हो पा रहा। मैं बिल्कुल दुआ करती हूँ आपके साथ रियाज भी हो, शफकत भाई भी हो, नासिर साहब भी हो, सारी चीजें हो, ताकि आपकी एनर्जी बूस्ट करे। सिंगिंग की तरफ आपका किस तरीके से मतलब इंस्पिरेशन बनी, या एक्टिंग की तरफ को किस तरह से? सिंगिंग का तो मैंने आपको जैसे बताया, आतिफ असलम हो गए, अली जफर हो गए, उससे पहले हमारे लेजेंड्स थे मेहदी हसन साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब, आबदा परवीन साहिबा, और बॉर्डर की उस तरफ चले जाएं तो कुमार सानू हो गए, उनसे भी सीनियर जो थे कि अपने नाम में मुझे भूल रहे थे, मोहम्मद रफी साहब है, और किशोर कुमार हो गए, ये मेरे फेवरेट थे, तो इन्हीं को ही मैं सुनता था, वो सुन के वो गाने। अब तक आपने अपने किसी एल्बम को बनाने के लिए अपने जो है सॉन्ग्स को फ्रंट पे लेकर आए हैं, या उस पर काम चल रहा है आपका? देखिए मेरा प्लान तो है अपने सॉन्ग्स बनाने का, एल्बम भी इंशाल्लाह जाके बनाऊंगा आगे। लास्ट कपल ऑफ मंथ्स अगो मैंने PSL से रिलेटेड एक गाना गाया था, तो आप कह सकते हैं कि मेरा खुद की वो पर्सनल। अच्छा, वो आपके अपने उसमें कंपोजिशन थी? कंपोजिशन मेरा नहीं था, मेरे एक फ्रेंड थे, उनके पास एक था टास्क आया हुआ था, प्रोजेक्ट आया हुआ था, तो उन्होंने कहा यार मुझे एक सिंगर की जरूरत है, नए सिंगर की, मेरे पास इस तरह से एक प्रोजेक्ट आया हुआ, तो उन्होंने फिर मैंने उसको उनको अपनी आवाज़ें भेजी, और फिर उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ये आपकी आवाज़ पे रेलेवेंट है, तो फिर उन्होंने मुझे गाना दिया और मैंने गाया, वो बेसिकली मेरा ही सॉन्ग। हमें भी सुना दे जरा PSL, हम भी जरा एंजॉय कर लें जरा, फिर आपको लाइव वहाँ पे भी सुन लेंगे। ठीक है, मैं दो तीन लाइनें सुना देता हूँ। छक्का लगेगा, चौका लगेगा, गिल्ली उड़ेगी, शोर मचेगा, छक्का लगेगा, चौका लगेगा, गिल्ली उड़ेगी, शोर मचेगा, PSL चलेगा, PSL चलेगा, PSL चलेगा, PSL चलेगा, लड़ाइयां ना चलेंगी, ना ही झगड़े चलेंगे, बस विकटे उड़ेंगी और छक्के लगेंगे, छोड़ो सारी बातें, माहौल बनेगा, PSL चलेगा, PSL चलेगा, PSL चलेगा, PSL चलेगा। थैंक यू। PSL में थोड़ी सी जान डाली है आपके अंदर, इतना तो मुझे मजा आ गया। मतलब एंजॉय किया है आप। अच्छा, बाय नेचर आप कैसे हैं वैसे? By nature, you can say I'm little bit more
सीरियस और अपने काम से काम रखने वाला, ना किसी के साथ ज्यादा फ्री होना। सर कोई रोग लगा हुआ है आपको? नहीं रोग कोई नहीं लगा हुआ। फिर बस होता है कुछ लोग, बच्चों की नेचर ही ऐसी होती है, बास बच्चे होते हैं, बच्चे से बड़े हो गए अब क्या करें। ऑब्वियसली जो बचपन से नेचर चलती है, नेचर तो नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड। आप मतलब मुस्कुराते कम है? नहीं मुस्कुराते, जहाँ जरूरत हो वहाँ मुस्कुरा भी लेते हैं। सर यहाँ बहुत जरूरत है मुस्कुराएं सर। मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट देना चाहती हूँ कि आपको हम गन पॉइंट पे नहीं बुलाए, मुझे दिखाए आप खुश है। पता नहीं आपको मेरे कहाँ से आंसू नजर आ रहे हैं। ये खुशी के आंसू मुझे ना दिखाइए, आंसू नहीं नजर आ रहे, लेकिन मुझे वो एक चार्म एंथुसियाज्म वो थोड़ी सी चाहिए आपके अंदर। मेरे साथ इतना टैलेंटेड बंदे बैठे हैं तो मेरा इतना बनना तो मतलब बनता है आपको बोलना। अच्छा ये बताएं कि अब तक कितने ड्रामों में आपका प्रोजेक्ट चल चुका है, मतलब ऑलमोस्ट आप कितने साल से हैं और कितने ड्रामों और एक्टिंग की तरफ आ चुके हैं? ऑलमोस्ट मेरा 1.5 से 2 साल हो गए ऑन एंड ऑफ काम किया है मैंने, क्योंकि जॉब के साथ साथ आपको पता है काम करना मुश्किल है थोड़ा सा। मैं वीकेंड्स पे या वेकेशंस होती हैं तब मैं काम करता हूँ, तो 1.5 से 2 साल ऑन ऑफ काम किया है मैंने, और तकरीबन 5 से 6 ड्रामास में मैंने छोटे छोटे कैरेक्टर्स किए हैं। आगे भी इंशाल्लाह कुछ प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, मेरी रिनोन प्रोडक्शन हाउसेज में बात चल रही है डायरेक्टर से प्रोड्यूसर से, तो स्क्रिप्ट्स गो थ्रू कर रहे हैं। दिस एड जैसे ही आपके जो आपकी पर्सनैलिटी और आपके मतलब आपके हिसाब से अगर कोई कैरेक्टर निकलता है, बेसिकली ये भी चीज़ें देखी जाती हैं कि आपका जो है लुक कैसी है और आपकी आपका टोन कैसी है बोलने की, फिर उसी हिसाब से डिमांड। अच्छा मुझे यहाँ से देख के ऐसा लग रहा है मेरे पास तुम हो की जगह हुमायूं सईद की जगह आपको डाल देते, वो बड़ा अच्छा कैरेक्टर था फिट बैठते बिल्कुल सीरियसली भी तो वैसे ही है। मेरी बात चल रही है। अच्छा तो जैसे ही कोई कैरेक्टर इस तरह की रिक्वायरमेंट आती है तो जरूर इंशाल्लाह लॉन्ग कंटिन्यूटी वाला कैरेक्टर करना है मुझे। कितनी डिसअपॉइंटमेंट देखी इस फील्ड में आने के बाद, करियर के अंदर कितना कुछ मतलब डिसअपॉइंट हुए कहीं पे या मिली है आपको? डिसअपॉइंटमेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए पर्ची सिस्टम कह लें इसको, नेपोटिज्म कह लें, या जहाँ भी मैं गया हूँ दे सेड आप किसी की सोर्स पे आए हैं या आपके पास कोई रेफरेंस है या आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव थिंग्स आर ऑल्सो देयर जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, आप शायद आप जानते होंगे। इस तरह की भी चीज़ें डिसअपॉइंट करती हैं जब आप मतलब टैलेंट भी हो सब कुछ हो आप अपना टाइम भी दे सकते हो। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आपको आपके मतलब का वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया जहाँ पे आपके टैलेंट की एबिलिटी को आगे लाया जाता, ऐसे ही? यस श्योर। तो आप क्या हमारे चैनल के थ्रू उन्हें मैसेज करना चाहेंगे कि आपको या आप जैसे जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाए? सबसे पहले तो मुझे आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना था कि और आपके आपका जो ये चैनल है प्लेटफॉर्म है ये ब्लेसिंग है न्यू कमर्स के लिए। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू। RNN नाम है, प्लीज नाम के साथ जरा बोलिएगा, दुआओं के साथ। RNN न्यूज़ चैनल, RNN न्यूज़, दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर न्यू कमर्स और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब देखें मैं आप मुझे कोई नेशनल पर्ची नहीं दी गई, ये भी बताइए, कोई पर्ची नहीं दी गई है, ना कोई मेरी सोर्स है, ना रेफरेंस है, और कोई नेशनल लेवल पे भी मुझे कोई शायद कराची में भी कोई ना जानता हो, और देखें आज मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर बैठा हूँ, तो ये अल्लाह की दी हुई इज्जत है, ये इन्हीं का ही ये वसीला हम बन गए, वसीला कह लें या जो भी ब्लेसिंग कह लें, कि ये नए आने वाले नए चेहरों को, न्यू टैलेंट को जिनके अंदर कोई भी एबिलिटी है जो कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं, और नए आने वालों के लिए जो है एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं तो उनको ये प्लेटफॉर्म देते हैं, मौका फराहम करते हैं, ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका भी, क्योंकि आप लोगों के भी वक्त काफ़ी कीमती होते हैं। अब हम थोड़ा सा सीरियस में इसको बाहर निकालते हैं, आप मुझे ये बताएं कि मोहब्बत पे बिलीव है आपका? देखें ये कायनात और दुनिया जो है मोहब्बत और नफरत इन्हीं जज्बों पे, और बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर किया, मैंने तो बड़ा सीधा सा सवाल किया था, इन्हीं जो है फीलिंग्स के बेस किस किस्म की मोहब्बत पे बिलीव रखते हैं आप, जो आजकल की चल रही है, जो हमारा ट्रेंड चल रहा है? मोहब्बत तो ये लव या मोहब्बत जो है वो एक फीलिंग है, एहसास है, ये नहीं कि फिजिकली दो रूहों का, दो जिस्मों का मिलना,
दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. यू कैन से अगर इट कुड बी वन साइडेड और टू साइडेड आइदर. तो मुझे पहले बिलीव का पता है, आपको बिलीव है या नहीं है? बिल्कुल मुझे बिलीव है. Exactly. और दुनिया में आज जो सोसाइटी हमारी दुनिया में जो हमारी सोसाइटी कायम है, मोहब्बत लोग मोहब्बत करते हैं. अब इतनी मोहब्बत में पड़ गई कि सोसाइटी सोच में पड़ गई है ये मोहब्बत शुरू का और ये खत्म का और ये बेसिकली ये प्रॉब्लम. और इसीलिए जो है आज तक ये रिश्ते कायम है लोगों में कुछ मोहब्बत. आप मैरिड? नो आई एम सिंगल. ठीक है तो फिर आप सही. ऐसे ही है बाद में मतलब आप फिर ये मोहब्बत की शादी पे बिलीव करते हैं या वो अम्मी जो ढूंढ के देते हैं अच्छी वाली को इस तरह की शादी पे बिलीव? मेरा मानना है कि अरेंज ही होना चाहिए, उसमें आपकी पसंद शामिल होनी चाहिए और लेकिन अरेंज हो जाए तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मैरिजेस ब्रोकन जो के ब्रेक हो गए. ब्रेक हो गई. अच्छा इसका ताल्लुक जो है लव मैरिज और अरेंज मैरिज से नहीं है. इसका ताल्लुक जो मैं समझती हूँ वो दो लोगों के निभाने से. जब दोनों एक दूसरे से कमिटेड हैं तो दोनों को एक दूसरे के साथ लॉयल होते हुए इसको चलाना है. ऐसे एक एस्पेक्ट से आपकी बात भी ठीक है लेकिन आजकल मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो आजकल मुआशरे में हो रही है. बिल्कुल मैंने इसीलिए पूछा कि आजकल की मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है. आजकल की मोहब्बत जो चल रही है व्हाट्सएप मोहब्बत या सोशल डिजिटल मोहब्बत एचडी चल रही है. एचडी तो उस पे तो भाई बेसिकली ये मोहब्बत है ही नहीं. दिस इज नॉट मोहब्बत. ये तो टाइम पास है या बस आप कह लें मेंटल रिलैक्सेशन है या प्लेजर है जो भी है. हेल्थ फिटनेस के लिए बहुत जरूरी हो गया आजकल मुझे ऐसा लगने लगा. क्या चीज? लोग हेल्दी फील करते हैं इस तरह के छोटी छोटी मोहब्बतें करके. बिल्कुल करते होंगे. अच्छा खैर इट्स अ पार्ट ऑफ जोक. मैं थोड़ा सा माहौल इसलिए कर रही हूँ कि हमारे जो ये मेहमान हैं थोड़ा कम हंसते हैं, जरा हंस लें तो थोड़ा माहौल बने. देखिए अब ये हंसना शुरू हो गए, मुझे इनके कुछ दांत नजर आने शुरू हो गए. मेरे दांत पूरे हैं? हाँ दांत पूरे हैं. अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई आपका फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस हमारी फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री में जो अब तक आपको बहुत इंस्पायर कर चुके हों? बिल्कुल मेरे फेवरेट एक्टर्स हैं, लेजेंडरी एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जिनको देखकर मैं उनसे इंस्पायर होकर ही आने का फैसला किया था. जैसा कि दो तीन नाम हमें बताएं. दो तीन नाम बिल्कुल बता देते हैं आपको. नुमान एजाज साहब. हाँ एग्री. नुमान एजाज साहब हैं. उनसे जरा पीछे जाए खयाम सरदी साहब, शायद आप जानते होंगे, पीटीवी के रिनोन एक्टर रह चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए. और कवी खान साहब हैं और महमूद असलम साहब हैं और कौन है फिरदौस जमाल साहब. महमूद असलम साहब के साथ मैंने भी एक ड्रामे में काम किया हुआ था. अच्छा वो शौक में हुआ था लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था. बुलबुले? ये नॉर्मल तो बुलबुले ही करते हैं. पुराना ड्रामा वो मेरी बड़े मतलब एक जस्ट इट हैपेंड हो गया तो कैरेक्टर मिल गया. अच्छा बुलबुले से बुलबुले में जो उनका कैरेक्टर है उसको हटा के अगर देखा जाए उनकी बहुत वर्सटैलिटी है उनकी. बिल्कुल ऐसी बज़ात में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. बहुत वर्सटाइल एक्टर हैं वो लेकिन आई डोंट नो व्हाई वो एक ही उस बुलबुले को लेके चल रहे हैं. खैर होंगे बुलबुले अच्छे चल रहे होंगे ना इसलिए चल रहे होंगे. अच्छे चल रहे होंगे. आप मुझे ना कोई ऐसा गाना सुनाए आतिफ हो गए या कुछ ऐसा जो हम भी गुनगुना सकें थोड़ा माहौल को चिल बनाते हैं थोड़ा सा. आतिफ असलम को सुनते हैं. आतिफ असलम चले. मैं आतिफ असलम का एक पुराना गाना है वो सुनाना चाहूंगा. कौन सा गाना? बहुत मशहूर हुआ था आदत. आदत अगर आप साथ गुनगुना पाए. मैं कोशिश करती हूँ. आप अपना सुर तो छेड़े पहले क्योंकि शायद आप भी लिरिसिस्ट हैं सिंगर नहीं हैं. मैं म्यूजिक मेरा पैशन है. मतलब मैं इस फील्ड में हूँ बट बेसिकली आई एम नॉट इन फ्रंट साइड. तो मैं बस थोड़ा सा बाथरूम सिंगर टाइप जरूर. तो आप प्लीज इसको कंटिन्यू करें. आंखों से जब भी हो तेरी आंखें जुदा मन से जब भी हो तेरा मन खफा तो जी पुकारे पुकारे तुझे मन
घबराए बुलाए बुलाए तुझे के दिल हारे पुकारे तुझे मन जारे बना ले मुझे सुन प्यारे लगा ले गले खो जा रे तू गाले संग रे। इस दफा मैंने साथ दिया इनका। थैंक यू, बहुत अच्छा साथ दिया आपने। जज़ाकअल्लाह। ये बताएं अब्दुल कदीर, आपकी लाइफ का अब एम क्या है, क्योंकि आप माशाल्लाह एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे भी अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली या जो भी आपका है बाय प्रोफेशन वो भी कर रहे हैं, आगे आप कहाँ देखते हैं खुद को एज एन सिंगर? अब मॉडलिंग की तरफ भी आप जाना चाह रहे हैं, आपने की भी मॉडलिंग वगैरह रैम शो वगैरह कुछ? जी, मैंने 3 से 4 रैम शोज किए, ऑल्दो दे वर लोकल शोज, बट काम होता है। बिल्कुल काम होता है, मैंने काम समझ कर ही किया था, और मैंने बिल्कुल रैम शोज किए हैं, आर्ट्स काउंसिल में किया था, PACC में किया था, रशियन सेंटर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, उससे मुझे मतलब नो हाउ हुई कि किस तरह से करनी है और ऑडियंस को किस तरह से फेस। तो आगे फ्यूचर में आप खुद को कहाँ देखते हैं, एज ए सिंगर, एज एन एक्टर, एज ए बाय प्रोफेशनल, कहाँ? मैं बिल्कुल एक्टिंग और सिंगिंग को आगे प्रस्यू करना चाहूँगा। बेसिकली आई एम लुकिंग फॉर प्रॉपर गुड अपॉर्चुनिटी एंड गुड कैरेक्टर इन एक्टिंग, और प्लेबैक सिंगिंग में अगर मुझे कोई अच्छा गाना ऑफर होता है तो मैं बिल्कुल वो करना चाहूँगा। बिल्कुल, आप के हमारी तो दुआ है आपको मिले, लेकिन अपने सिंगिंग का जो एल्बम है, जो आपके ओरिजिनल सॉन्ग ट्रैक्स हैं, उसको जरूर लेकर आए, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा जो कहते हैं ना कि एक हेल्पिंग हैंड बन जाएगा आपको आगे पहुंचाने के लिए, जैसा मैं समझती हूँ। ऐसे ही है। लास्ट में हमारे व्यूअर्स के लिए कोई लाइन, कोई मैसेज अगर आप जो देना चाहें गा के शेर व शायरी में, या वैसी लाइन जैसे आपको सही लगे। मैसेज से पहले मैं गाना सुनाना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें। हाँ, अभी आपने खुद ही गाना है। बिल्कुल। तुझे संग बैर लगाया ऐसा, तुझे संग बैर लगाया ऐसा, रहा न मैं फिर अपने जैसा, ओ रहा न मैं फिर अपने जैसा, मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क ये बैर इश्क। इसके पिच भी इन्होंने बड़े अच्छे दिए, आवाज भी निकाली माशाल्लाह से, और क्या गाना गाया है। अब हमें ओरिजिनल पता चला इनकी वॉइस कहाँ से आ रही है। बेसिकली यू आर मतलब कमांड ऑफ क्लासिकल सिंगर, सेमी क्लासिकल है। मुझे तो लगा भी यहीं कहीं बारिश लानी शुरू हो जाए आपके सुर से। चले अब्दुल कदीर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और उम्मीद करती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के बाद से अल्लाह पाक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी खोले, और मैं आगे भी अपने सुनने वालों को यही कहूंगी कि जहां जहां तक हमारे प्रोग्राम के थ्रू समाज जा रही हूँ, हमारे नए टैलेंट को आगे प्रमोट किया जाए। अच्छे टैलेंटेड सिंगर पाकिस्तान में बहुत हैं, टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, सिर्फ उनको अवेल करना है, अच्छा प्लेटफॉर्म देना है, और मेरी दुआ है इस RNN के प्लेटफॉर्म से हमारे प्रोग्राम नई सोच के साथ के प्लेटफॉर्म से जितने भी हमारे यंगस्टर आ रहे हैं अपने टैलेंट के साथ, वो आगे बढ़ें और हमें भी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, नई सोच के साथ, नए मेहमान के साथ। दिस इज सदफ साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।